खबर सामने आ रही है पाकिस्तान तो जिथे हिंदू भाईचारे दे नाल जुड़े हुए लोगों को धमकी दी गई है कि तुसी दिवाली पाकिस्तान दे विच नहीं मना सकते। जी हाँ, अजिही धमकी लिखती तौर दे उत्ते दी गई है जिस तों बाद कितना कितने दहशत दा माहौल देखने को मिल रहा है। सो जिथे एक पासे देश भर की गल कर लिए भारत देश दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते जो खुशी का कितने ना कितने माहौल चल रहा है, आने वाले समय दे विच दिवाली का त्यौहार है, पर पाकिस्तान दे विच धमकी हिंदू भाईचारे दे नाल जुड़े लोगों को दी गई है, अजिही जानकारी सामने आई है। मामले दे नाल जुड़ी तुहानू जानकारी दिंदे हां। सो अज सवेरे पाकिस्तान के सिंध सूबे दे विच हिंदू भाईचारे दे लोगों को उस समय भारी दहशत का माहौल का सामना करना पिया जदों उन्होंने पेंडू खेतर के कंधा के उत्ते उर्दू दे विच लिखे धमकी भरे पोस्टर वेखे जिस दे विच हिंदू भाईचारे दे लोगों नू दिवाली तो पहला पाकिस्तान छड्डण की भी धमकी दी गई है। सरहद पारले सूत्रां अनुसार सिंध सूबे दे विच अज सवेरे जदों लोग उठे तो पेंडू खेतरां दे विच कंधरां दे उत्ते पोस्टर चिपकाए वेख के लोग हैरान रह गए। उर्दू भाषा दे विच छपे इश्तहारां दे विच हिंदू भाईचारे दे लोगों नू धमकी दी गई कि हिंदू भाईचारे दे लोग इस बार पाकिस्तान दे विच दिवाली नहीं मना सकते, जो हिंदू दिवाली मनाउणा चाहुंदे हन ओह पाकिस्तान छड्ड के दूजे देशां दे विच चले जाण जां फिर अपने देश परत जाण। सो पोस्टर दे हेठां किसे भी संस्था जां किसे क्या जा सकदा है कि एजेंसी दा नाम नहीं लिखा होया। आखिर यह धमकी किसदे वल्लों दित्ती गई है, इस नूं लैके हले तक भेद बने हुए ने, पर पोस्टर तो साफ जाहिर किया जा रहा है कि हिंदू भाईचारे के लोगों को धमकी दी गई है अते नहीं चाहते, कुछ शरारती अंसर नहीं चाहते कि दिवाली पाकिस्तान दे विच मनाई जाए। फिलहाल जो पोस्टर ने इन्हों लैके पुलिस दे वल्लों भी जांच की जा रही है, पर यह भी धमकी दी गई है कि जेकर तुसी देश नहीं छड़दे तो तुहानू यानी लोगों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पैणगे। सो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए लोग तैयार हैं। सो दिवाली मनाने वाले सारे हिंदू परिवारों के लिए आखिरी दिवाली का त्यौहार होगा, अजिही भी धमकी दी गई है। इस तो बाद पुलिस नू लोगों के वलों सूचित किया गया तो पुलिस प्रशासन नू मामले के उत्ते कार्रवाई करने की गल आखी गई है। खबर सामने आ रही है पाकिस्तान तो जिथे हिंदू भाईचारे के नाल जुड़े हुए लोगों को धमकी दी गई है कि तुसी दिवाली पाकिस्तान दे विच नहीं मना सकते। जी हाँ, अजिही धमकी लिखती तौर दे उत्ते दी गई है जिस तों बाद कितना कितने दहशत दा माहौल देखने को मिल रहा है। सो जिथे एक पासे देश भर की गल कर लिए भारत देश दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते जो खुशी का कितने ना कितने माहौल चल रहा है, आने वाले समय दे विच दिवाली का त्यौहार है, पर पाकिस्तान दे विच धमकी हिंदू भाईचारे दे नाल जुड़े लोगों को दी गई है, अजिही जानकारी सामने आई है। मामले दे नाल जुड़ी तुहानू जानकारी दिंदे हां। सो अज सवेरे पाकिस्तान के सिंध सूबे दे विच हिंदू भाईचारे दे लोगों को उस समय भारी दहशत का माहौल का सामना करना पिया जदों उन्होंने पेंडू खेतर के कंधा के उत्ते उर्दू दे विच लिखे धमकी भरे पोस्टर वेखे जिस दे विच हिंदू भाईचारे दे लोगों नू दिवाली तो पहला पाकिस्तान छड्डण की भी धमकी दी गई है। सरहद पारले सूत्रां अनुसार सिंध सूबे दे विच अज सवेरे जदों लोग उठे तो पेंडू खेतर के कंधरां दे उत्ते पोस्टर चिपकाए वेख के लोग हैरान रह गए। उर्दू भाषा दे विच छपे इश्तहारां दे विच हिंदू भाईचारे दे लोगों नू धमकी दी गई कि हिंदू भाईचारे दे लोग इस बार पाकिस्तान दे विच दिवाली नहीं मना सकते, जो हिंदू दिवाली मनाउणा चाहुंदे हन ओह पाकिस्तान छड्ड के दूजे देशां दे विच चले जाण जां फिर अपने देश परत जाण। सो पोस्टर दे हेठां किसे भी संस्था जां किसे क्या जा सकदा है कि एजेंसी दा नाम नहीं लिखा होया। आखिर यह धमकी किसदे वल्लों दित्ती गई है, इस नूं लैके हले तक भेद बने हुए ने, पर पोस्टर तो साफ जाहिर किया जा रहा है कि हिंदू भाईचारे के लोगों को धमकी दी गई है अते नहीं चाहते, कुछ शरारती अंसर नहीं चाहते कि दिवाली पाकिस्तान दे विच मनाई जाए। फिलहाल जो पोस्टर ने इन्हों लैके पुलिस दे वल्लों भी जांच की जा रही है, पर यह भी धमकी दी गई है कि जेकर तुसी देश नहीं छड़दे तो तुहानू यानी लोगों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पैणगे। सो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए लोग तैयार हैं। सो दिवाली मनाने वाले सारे हिंदू परिवारों के लिए आखिरी दिवाली का त्यौहार होगा, अजिही भी धमकी दी गई है। इस तो बाद पुलिस नू लोगों के वलों सूचित किया गया तो पुलिस प्रशासन नू मामले के उत्ते कार्रवाई करने की गल आखी गई है।